नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर मेरा बात। और बहुत ही वेलकम। और अगर आप यहाँ पे नए हैं, ये वीडियो आप नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग माई अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट। होम्योपैथिक फार्मेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फार्मेसी के बारे में नॉलेज करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी सोर्सेस क्या होते हैं, इसमें हम कैसे कैसे लॉज देखते हैं कि होम्योपैथिक के क्या ऐसे लॉज हैं जिसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम पोटेंशियल सिलेक्शन भी करते हैं कि हमें कौन सी डोज में हमें मेडिसिन देना है, होम्योपैथिक एथिक्स क्या होते हैं फार्मेसी के, आप कैसे अपनी खुद की एक फार्मेसी बना सकते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एकेडमिक्स की बात करें, आपको इसमें से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मैं आपको आज दो बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एकेडमिक्स और BHMS कोर्स के फर्स्ट ईयर में। तो होम्योपैथिक फार्मेसी की दो बुक्स हैं जिसका नाम है एक मंडल एंड मंडल, इसमें इस बुक का नाम है द टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी मंडल एंड मंडल, और एक दूसरी बुक है जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी बाय डॉक्टर डीडी बैनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके कंटेंट की मैं बात करूँ तो इसके कंटेंट में अगर आप देखेंगे, इसमें बहुत से सेक्शन हैं, इसमें आई थिंक 13 सेक्शन हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में आप इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी, जिसमें हम ये जानेंगे कि फार्मेसी क्या होती है, फार्माकोलॉजी या फार्माकोपिया क्या होती है। तो मैं आपको एक शॉर्ट और क्विक वे में आपको समझा दूँ कि फार्मेसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर, मेडिसिन को उसको प्रूविंग और मेडिसिन के हम कहाँ कहाँ से उसके सोर्सेज होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। फार्माकोपिया एक बुक है जो एक स्टैंडर्डाइज बुक है जो कि हर कंट्री की एक अलग अलग बुक रहती है, जिसमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रिपेरेशन को हम कैसे हम देखते हैं, ये चीज़ें होती हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया में। ठीक है, इसके साथ साथ हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे कि ड्रग के क्या यूज़ होते हैं, उसकी टॉक्सिकोलॉजी, उसकी क्वान्टिटी, उसमें कौन सी क्यूरेटिव पावर होती हैं, ये सब बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, इसके साथ साथ हम कैसे मेडिसिन को प्रिजर्व रख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम कैसे कैसे ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डीडी बैनर्जी ने सेक्शन 2 में व्हीकल्स के बारे में डिस्कस किया है। इस व्हीकल के डिस्कशन में हम ये समझते हैं कि मेडिसिन को हमें किस फॉर्म में देना है, हमें लिक्विड में देना है, हमें टैबलेट्स फॉर्म में देना है, हमें कौन से अल्कोहल यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में हमें अल्कोहल यूज करना है कि मेडिसिन को प्रिपेयर या प्रिजर्व किया जा सके, और हमें मेडिसिन को टंग डोज देना है नहीं देना है, हमें ग्लोब्यूल्स में देना है नहीं देना है, हमें लिक्विड प्रोटेंसीज देनी है, मदर टिंचर देना है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस व्हीकल के कंटेंट में। ठीक है, सेक्शन में। फिर उसके बाद सेक्शन 3 है लेबोरेटरीज का। लेबोरेटरी में हमें देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर किस किस यूटेंसिल्स में की जाती हैं, कैसे कैसे प्रोसेसेस में हम देखते हैं, और यही सारी चीज़ें हम इसमें सेक्शन में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किस यूनिट में मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे, ये सब हम डिस्कस करते हैं। कौन से कन्वर्जन यूनिट्स होते हैं, कितनी क्वांटिटी में हमें मेडिसिन लेनी है, उनमें कितने क्वांटिटी में अल्कोहल लेना है, उसको कितनी देर तक प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें हम देखें। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन मतलब इसका यही एक शॉर्ट फॉर्म आप समझिए कि मेडिसिन प्रिपेयर होने के बाद में वो किस कंटेनर में रखी जाएगी, किस तरीके से प्रिजर्व होगी, ये सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन टू प्रिजर्वेशन में हम देखते हैं। इसमें हम प्रिपरेशन देखेंगे कि मेडिसिन को हैनिमेनियन मेथड से प्रिपेयर करना है, या तो हमें कौन कौन सी स्टैंडर्डाइज तरीके से मेडिसिन को प्रिजर्व करना है, यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। सेक्शन 6 में हम डायनामाइजेशन को पढ़ेंगे कि मेडिसिन को कैसे डायनामाइज किया जाए। पोटेंटाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पोटेंटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं दो तरीके से, सक्शन मेथड से और टाइचुरेशन मेथड से। इसके साथ साथ हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स में सेक्शन 7 में प्रिंसिपल्स दिए हैं। प्रिंसिपल्स में आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैं, कैसे देनी है, ड्रग प्रूविंग कैसे करना है, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस कैसे देने हैं आपको, या कोई मेडिसिन प्रिपेयर होगी मदर टिंचर में कैसे आप दे सकते हो, या मेडिसिन को डिस्पेंस कैसे कर सकते हो, या आप उसको मेडिकेशन कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 8, 9 और 10 में मैं बात करता हूँ कि एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, कि हम मेडिसिन बनने के बाद में या ड्रग की क्वालिटी को हम देखते हैं किस तरीके की मेडिसिन हम या तो वो बाहर से आई है, मतलब किसी और कंट्री से आई है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, फ्रेश है नहीं है, ड्राई हो गई है, या वो स्पॉइल तो नहीं हुई है ट्रांसपोर्ट होते टाइम, ये सब हम जानकारी लेंगे, मेडिसिन को एनालाइज करेंगे, तो ये सब हम चेक करते हैं। मेडिसिन एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन बनने के बाद में उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि कैसे मेडिसिन उसकी क्या ऐसी पावर है कि वो डिफरेंट है एज अ लिक्विड में। ठीक है, इसके बाद में हम सेक्शन 9 की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि उसके एक्शंस क्या है, कोई भी सब्सटेंस के एक्शन क्या हो रहे हैं, कोई भी रेमेडी के जो भी एक्शन है उसका, उसकी जो क्वालिटी है वो हम देखते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एनिमल सोर्स से है, वो प्लांट सोर्स से है, या वो किसी भी सोर्स से है, या नो सोर्स है, साफ सोर्स है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद लॉ एंड एथिक्स पढ़ते हैं। लॉज एंड एथिक्स में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ डेवलपमेंट स्कोप एंड फार्मेसी के मतलब, या हम रिसर्च देख सकते हैं, डेवलपमेंट रिसर्च और उसकी स्कोप्स क्या हो सकते हैं, आप एज अ करियर आप कैसे होम्योपैथिक फार्मेसी को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद में ये हो गया हमारी ऑगमेंटेड होम्योपैथिक फार्मेसी की
एक बुक के बारे में मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा, जी द टेक्स्ट बुक ऑफ अमेरिकन फार्मेसी बाय मांडल एंड मांडल। तो चलिए मैं क्विक तरीके से आपको बता दूंगी कैसे आप स्टडी कर सकते हैं और कैसे आप इसमें हाई नंबर्स ला सकते हैं। स्टार्ट करता हूँ आपके फर्स्ट थिंग से, आपको रीड एंड राइट, आपको ये प्रोसेस अपनानी है कि आपको फर्स्ट रीड करना है पूरी बुक को, आपको मतलब जो भी कंटेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें कि इंट्रोडक्शन की, हम बात करें कि फार्मेसी की इंट्रोडक्शन में हम ये समझ सकते हैं कि फार्मेसी में क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है, उसके डेफिनेशन आप पढ़िए, उसके टाइप्स पढ़िए, उसके स्कोप्स पढ़िए, सोर्स पढ़िए, ये पढ़ने के बाद में आप एक बार रीड लगाइए जिससे आपके एक एक, एक, एक प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में वो बैठ जाए। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि उसको राइट कैसे करना है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब लिख देनी है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है कि डेफिनेशन, डेफिनेशन में होम्योपैथिक फार्मेसी क्या होती है वो लिखना है। इसके बाद में आपको जो भी बुक में है, लिखते टाइम आपको बुक को फिर से रीड करना है, वो उस टॉपिक को फिर से रीड करना है। नेक्स्ट उसके बाद में टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फार्मेसी, इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ फार्मेसी के पॉइंट्स लिखते हैं, इसके बाद हम समझ जाएंगे कि ये चीज़ें होती हैं। आपको एक प्रोसेस ऐसा बनाना है कि आप मेन हेडिंग्स आप याद रखें जिसकी वजह से आप अंदर के कंटेंट को आप रख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको लॉट्स ऑफ जानकारियाँ रखनी है जिसमें आप इधर उधर की चीज़ें लिखें। आपको फोकस रहना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए हमें उसी आंसर देना है विदाउट एनी गिविंग अ फिलोसफिकल थ्योरी, ओके। तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। दूसरी बात ये कि सोर्सेज की हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स की, इसमें हम नाइन सोर्सेज हम पढ़ते हैं जिसमें हम वेजिटेबल, प्लांट, एनिमल, मिनरल किंगडम और इम्पॉर्टेंट या नो सोर्स ऑफ कोर्स, फिर आयो सोर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें सिंथेटिक सोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि आपको उसके टॉपिक्स पढ़ने और आपको मेडिसिन समझनी है कि कौन कौन सी मेडिसिन आ सकती हैं। जैसे कि मैं एक बात करूं कि अगर प्लांट सोर्सेज की कोई मेडिसिन है तो प्लांट सोर्सेज में वो फ्लावर्स आएंगे, वो प्लांट्स आएंगे जो एज अ होल, आप जब भी फार्मेसी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि कौन सी मेडिसिन होती है जो पूरे होल प्लांट से बनती है, जिनकी लीव्स जरूरी होते हैं, जिनकी फ्लावर्स जरूरी होते हैं, ये सारी हम देख सकते हैं। जैसे कि प्लांट्स किंगडम में हम देख सकते हैं एक्रोमेटाफेलिस है और हमारी कॉल्चिकम है, हमारे नक्सवॉर्म का है, ये सारी चीज़ें प्लांट किंगडम में आती हैं। बात करते हैं एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में वो मेडिसिन आएंगी जो प्रिपेयर होती हैं एनिमल्स से, जैसे कि हमारी मेडिसिन प्रिपेयर होती है ब्लैक ओरिएंटलिस जो कि कॉकरोच से बनती है, रैटस रैटस तो ये मेडिसिन बनती है रैट से एज अ उसकी कुछ पार्ट से, लैक डेफ्लोरिकम ये जो बनती है वो डॉग से बनती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं एपिस मेलिफिका जो कि मधुमक्खी जो होती है उससे, या हनी बी से हम बनाते हैं वो होती है, ऐसे करके हम सब सब चीज़ें समझ सकते हैं। मिनरल किंगडम की बात करें, मिनरल किंगडम में जैसे मेडिसिन आएगी सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड नाइट्रेट, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारी मेडिसिन आएंगी हमारी मिनरल किंगडम में। इम्पोर्टेंट एरिया की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट एरिया अभी लीस्ट प्रूवन मेडिसिन होती हैं जो कि अभी हमने ज़्यादा प्रूव नहीं की है, बट मेडिसिन होती हैं जैसे सोलर से बनती है जिसको हम सनरेज से बनाते हैं, लूनर होती है, लूनर मेडिसिन होती है, एक्सरेज होती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि और भी मेडिसिन रहते हैं जिससे हम प्रिपेयर करते हैं इम्पोर्टेंट एरिया में। नो सोर्स ऐसे सिक्रीशन से बनती हैं जो कि नेगेटिव डिस्चार्जेस होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में जो भी नेगेटिव डिस्चार्जेस होते हैं या हम देखते हैं नेगेटिव पार्ट्स रहते हैं उससे बनती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट आती है हमारी सार्कोट्स जो हेल्दी सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन या एनिमल बॉडी से बनती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सिंथेटिक सोर्सेस में जैसे लाइनन है, ये सारी मेडिसिन बनती हैं। इसमें आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं और आपको ये टॉपिक लिखना है, उसके आगे चार पांच मेडिसिन लिखनी है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात मैं करूँ तो आपको इसमें आपको टॉपिक ध्यान रखने हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हाई यील्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी या होम्योपैथिक ड्रग्स, व्हीकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी एक्ट क्या होता है होम्योपैथिक एक्ट, ठीक है। यूटेंसिल्स आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यूटेंसिल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और इसके साथ साथ उसकी क्लीनिंग कैसे होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पोटेंटाइजेशन देखते हैं, ड्रग प्रूविंग देखते हैं, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और मैंने यहाँ पे बहुत सी जानकारियाँ दे दी हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट टू वाले मैं आपको या इस वीडियो के पार्ट टू सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी बाय मंडल एंड मंडल के बारे में, ये बुक कैसी है, आप इसको कैसे ले सकते हैं। और लास्ट एक सेंटेंस में जो बोलने वाला हूँ वो ये है कि आपकी डी डी बैनर्जी और आपका मंडल एंड मंडल दो ऐसी बुक्स हैं जो आपकी बोथ आपके अभी अकेडमिक कोर्सेज और आपके फ्यूचर एग्जाम्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई एम साइनिंग ऑफ। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो डिटेल में आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, ये रहा मेरा मेल एड्रेस जिसका नाम है ashutoshbharadwaj221@gmail.com। अगर आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम पे doctor@ashutoshbharadwaj, फेसबुक ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है आप और उसका चैनल भी है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हो या आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो या आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और थैंक यू सो मच।